इमरजेंसी संविधान का प्रावधान है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी अगर देश में लगी हुई कहाँ है? अघोषित इमरजेंसी कहाँ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? पंजाब में, कश्मीर, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, कहाँ लगी है वो अघोषित? आंध्र प्रदेश में, कश्मीर, तेलंगाना में, कहाँ लगी है? तमिलनाडु में, कहाँ लगी है वो अघोषित इमरजेंसी? महाराष्ट्र में? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि मजे में होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रूबिका जी कांग्रेस के प्रवक्ता को शब्दों से आड़े हाथों लेती है, जिसका कारण राहुल गांधी द्वारा पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रागिनी, शुरुआत आपसे। मुझे पूरा यकीन है कल अपने लीडर को देखकर आप बहुत खुश हो रही होंगी, बहुत प्रसन्न हो रही होंगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कल उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ अपनी बातों को रखा है। लेकिन जो तथ्य थे, क्या उन तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं हुई है राजनीति के चक्कर में? मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे रागिनी। रूबिका, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके भी आंसू पोंछ लिए जाए। और मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति में अगर कोई एक ऐसा नेता है जो महात्मा गांधी के इस कथन को चरितार्थ करता हुआ दिखता है, उसे सच और यथार्थ में बदलता हुआ दिखता है, तो वो राहुल गांधी। अगर कोई एक ऐसा नेता है जो इस तल्खी भरे माहौल में, चुनावी माहौल में, जहां धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता और जातिवाद का बोलबाला है, वहां पर गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान, देश की संप्रभुता और किसानों की लाचारी को हाशिए से राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का काम करता है, सड़क से लेकर संसद तक, तो वो राहुल गांधी है। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारा देश जो कि एक संघीय ढांचे की नींव पर खड़ा हुआ लोकतंत्र है, उसे तानाशाही और राजशाही में ना परिवर्तित किया जाए, गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार ना बढ़ती जाए, ऐसे मुद्दों को उठाने की बात जो करता है वो राहुल गांधी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि संघीय और भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि जनवादी मुद्दे जो है वो भाजपा की गले की हड्डी है, जो हमारे लिए राजनीति का आदर्श है, तो उनके लिए गले की हड्डी है, पूरा भरोसा होना ना निगली जाती है ना उगली जाती है। अब मुझे ये बताइए कि तानाशाही कैसे बढ़ी है? मुझे वो राज्य बताइए जहाँ पर आपकी सरकारों के दौरान जैसे इमरजेंसी लगी थी वो लगी हो, एक राज्य मुझे गिना दे। खत्म। रूबिका, मैं इमरजेंसी का समर्थन नहीं कर रही, और इमरजेंसी के इंदिरा गांधी ने, सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा सुन लीजिए, आपको जवाब मिले, और स्वयं इंदिरा गांधी ने खेद प्रकट किया था, लेकिन इमरजेंसी भी संविधान का प्रावधान है, और ये सब की बात नहीं कर रही हूं। जो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूं कि तानाशाही का मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि मोदी ने किसी एक राज्य में इमरजेंसी लगा दी। आपने मुझे जवाब नहीं देने दिया। मैं एक राज्य आपसे पूछ रही हूं ना। इमरजेंसी संविधान का प्रावधान है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी अगर देश में लगी हुई है, कहाँ है अघोषित इमरजेंसी? कहाँ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? पंजाब में, कश्मीर, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, कहाँ लगी है वो अघोषित? आंध्र प्रदेश में, कश्मीर, तेलंगाना में, कहाँ लगी है? तमिलनाडु में, कहाँ लगी है वो अघोषित इमरजेंसी? महाराष्ट्र में? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेती। नहीं नहीं, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप भाजपा की मदद कर लीजिए, मुझे आपकी मैं किसी की, मैं हिंदुस्तान के लिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि नहीं है आवाज नहीं, मैं और धीमे बोल रही हूँ, मैं आपसे विस्पर करके बात कर लेती हूँ। कहाँ लगी है देश के राज्य में इमरजेंसी तानाशाही? मैंने आवाज अपनी और कम कर दी है राजनी, मैं बिल्कुल धीमी आवाज में आपसे बात कर रही हूँ। एक राज्य बता दीजिए जहाँ पर तानाशाही के तहत मोदी ने कामकाज ठप कर दिया है। मैं बोली नहीं रही हूँ, देखिए मैं बहुत धीमे बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर में तो 370 को हटाया है, उसे और बढ़िया तौर पे अभिन्न अंग बनाया है हिंदुस्तान का। छीना गया बिना विधानसभा को ये अधिकार दिए कि वो उस पर फैसला ले सके। चलिए ठीक है, इसके ऊपर संसद में भी चर्चा हुई। चलिए ठीक है, अच्छा ज्यूडिशरी इलेक्शन कमीशन ये लोगों की आवाज दबा रहा है जैसा राहुल कह रहे हैं? बिल्कुल बताती, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर और ये उनके ऊपर FIR होती है कि 20 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ वो घूम रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है, पर जमातियों पर थूक लगाने का इल्जाम लगाने वाले अमित शाह जब थूक लगा के पर्चा बांट रहे होते हैं और वहां पर 500 लोगों का हुजूम होता है, और इलेक्शन कमीशन जब काम ही का नहीं है तो आप लोग चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? छोड़ दीजिए, आप पीछे चले जाइए।